हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। भाई हम लोग सो ही नहीं पाए हैं क्योंकि शिवाना सिर्फ 2 या 3 घंटे सोई थी, बस उतना ही सोए हैं। उसके बाद सुबह से उठे हुए हैं। कभी वो रो रही है, कभी उसको एंटरटेन करना पड़ रहा है ताकि वो बिजी रहे, बट अभी काफ़ी बेटर है, कल से काफ़ी बेटर है वो। और थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट हो रही है, चल भी रही है बहुत हल्का हल्का उंगली वगैरह पकड़ के। बाकी मैं आपको भी घर चल के दिखाऊंगा, फिलहाल तो मैं ऑस्टी को लेकर आया हूँ। ऑस्टी भी बड़ा टाइम लगाता है यार एक तो ना, और सारा कुछ सिचुएशन अभी वही है कि बच्चे को ही ठीक करना मेन पर्पस है हमारा। आज कुछ ऐसा खास प्लान नहीं है हमारा, बस अब ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, भूख भी लग रही है। और अभी तो 11 ही बजे और हम लोग बहुत जल्दी उठ गए, वरना हम 11 बजे कहाँ उठते हैं भाई छुट्टी वाले दिन। और 11 बजे भी उठे तो तब है भाई जब हम सोए हो। हम लोग बीच बीच में आंखें बंद कर रहे हैं अपनी ताकि थोड़ी सी आराम मिल जाए हमें, वरना ये मान लो आप सुबह 6 या 7 बजे से तो हम प्रॉपर उठे ही हुए हैं। उससे पहले शिवाना सो ही हुई थी रात को 2-3 घंटे, बट उसके बाद से उठी हुई है, वो इरिटेटेड भी है थोड़ी सी। अब इतनी सारी बातें करने के बाद मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा क्योंकि कुछ खाया नहीं हुआ, अब घर चल के पहले खा लेते हैं। हाँ, लेकिन एक मेजर काम है जो है कि वो सिलेरियो को सर्विस पे देना है, तो वो 1 बजे के करीब जाऊंगा मैं खा पी के, क्योंकि विशाल को भी साथ लेके जाना है, वरना वहाँ से वापस कैसे आ पाऊँगा सर्विस सेंटर से। तो विशाल का ऑफिस है आज हाफ डे, तो वो फ्री होके फिर स्कूटी से डायरेक्ट वहीं मिलेगा मेरे को। गाइस वेलकम बैक। जैसे आपने देखा था वो सुबह 9:15 बजे का नज़ारा, वो 9:15 बजे मैंने ब्लॉग किया था जबकि 8 बजे से वही चल रहा था। शिवाना हाय, बाय बाय। तो शिवाना 8 बजे उठ गई थी क्योंकि कल उसने बहुत छोटी छोटी नैप्स ली हैं, तो उसको अब नींद नहीं आ रही, और 8 बजे से हम इसके साथ जागे हुए हैं। इसने वॉक भी करी है, लेकिन अभी इसने पता नहीं कल से वॉक नहीं करी थी इसलिए पता नहीं इसके पेट में एसिड था क्या था, यही इसने दूध की बहुत सारी वॉमिटिंग करी है। फीवर इसका बिल्कुल ठीक है, चलते हैं। थोड़ा सा नखरा करने लग रही है लेकिन अब ये खड़ी हो रही है और वॉक कर रही है, बट ये वही है कि हमें इसको पहले खड़ा करना पड़ रहा है, इतना ड्रामा मतलब इतना इसको हो रहा है अभी पैर स्ट्रेट करना है। और बहुत भूख लग रही है, 8 बजे से हम कभी बिस्किट खा रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि शायद सो जाएगी, तो नहीं सोई। तो अब फाइनली हम 11 बजे 12 ऑलमोस्ट अपना ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, लो एनर्जी। तो गाइज सारे काम वगैरह करके शिवाना को सुला के 12:30 बजे से नहा धो के मैं फ्री हूँ। फिर मेरे को ना झपकी आ गई थी क्योंकि सोए तो थे हम, फिर अभी विशाल का फोन आया कि वो आ गया है ऑफिस से, तो मैं जा रहा हूँ गाड़ी को सर्विस पे देने के लिए, विशाल साथ में वापस मेरे को ले आएगा। भाई बहुत गंदी हो रखी है, बुरा हाल है, बट देखना पड़ेगा कि आज तो मुझे नहीं लगता वापस मिलेगी गाड़ी, मोस्ट प्रोबेबली कल ही देंगे, और शीशे का भी बात करनी है। तो देखते सारा काम कराते, विशाली और शिवाना सो रहे हैं, होपफुली आज शिवाना थोड़ी सी और ठीक हो जाए शाम तक, और विशाली को भी नींद बहुत जरूरी थी तो विशाली भी सो रही है। चलो काम कराते हैं फिर मिलते हैं। अरे भाई साहब क्या हेलमेट था बंदे का, दिखाऊंगा मैं आपको अभी अगर दोबारा दिखा दो। तो गाइज मैं आया था सर्विस सेंटर से जस्ट अभी निकला हूँ, लेकिन गाड़ी अभी दी नहीं है मैंने क्योंकि जो शीशा चेंज होगा इंश्योरेंस में, तो वो जो उनका सर्वेयर होता है जो बंदा आके चेक करता है, वो आज सैटरडे संडे में आता नहीं है, मतलब वीकेंड पे वो आएगा मंडे, तो कोई फायदा नहीं है आज सर्विस भी कराने का, कोई फायदा नहीं है क्योंकि ग्लास चेंज होने के बाद सर्विस कराना बेटर है ताकि अच्छे से धुल भी जाए गाड़ी, वरना सर्विस होगी फिर ग्लास चेंज होगा और गंद मचेगा गाड़ी में। तो इसलिए ये लोग भी सजेस्ट यही कर रहे हैं कि आप मंडे को आकर गाड़ी देना और पहले अपना क्लेम रजिस्टर कराना और उसके बाद सर्विस कराना, वही बेटर है। तो देखते हैं मंडे का क्या करना है कैसे करना है, सुबह सुबह देकर जानी पड़ेगी गाड़ी। एनीवेज फिलहाल मैं वापस जा ही रहा हूँ, और ओखला में इतना जाम लगा हुआ है मैं क्या बताऊँ। ओके गाइस, सो आप स्टेटस खुद देख लो, हमारे मत देखो, हमारी नींद उड़ी हुई है। शिवानु हाय, बाय। आज इसके बाल मैंने पिन करे तो अलग लग रही है। तो अब ये 1 बजे सोई थी, 4 बजे उठी है, काफ़ी बड़ी नैप से उठी है, थोड़ी एक्टिव लग रही है, होपफुली रिकवर हो गई हो। देखो अपने आप पैर वैर भी चल रहे हैं इसके, तैयारी कर दो ना। रखो
भाई साहब बुरा हाल है हॉस्टी का। हॉस्टी दो पैर दिख रहा है आपको, खड़ा हुआ अंदर ऐसे ही बैठ गया हॉस्टा हॉस्टू। हाँ मेरे बच्चे, हाँ मेरे बेटे, बाहर आ जा। बाहर नहीं आएगा चंटा चंट। हाँ जी बुड्ढे बाबा, तो मैं भी देखता हूँ कब तक रहता तू ऐसे। ओके गाइस, सो मैंने शिवाना को नहला दिया था क्योंकि उसने ना शायद वॉमिटिंग करी थी, शायद नहीं पक्का करी थी, क्योंकि उसने पता नहीं गैस की वजह से किसी वजह से उसने थोड़ी सी वॉमिटिंग कर दी थी, तो मुझे उसको नहलाना था। ऑलरेडी एक दिन का गैप हो गया था प्लस वॉमिटिंग, तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं यहाँ पर शिवाना के बाल बना रही हूँ, तो इतना टाइम लगता है मुझे शिवाना के बाल बनाने में। तो गाइस हम लोगों को भूख लग रही थी उठते ही, तो हमने मंगा लिया है ये हांगकांग रैप। किससे मंगाया? हॉन्ग्स किचन से, पनीर रैप। और इसमें क्या है वो मैं भी आपको खोल के दिखाता हूँ। लो जी पनीर रैप ऐसा है, कैसा है बताइए जरा। अभी सिर्फ रोटी है क्या मुंह में? पनीर आया नहीं? पनीर आया क्या? देखो पनीर नहीं आया। ओह छोटी सी टुकड़ी आई है, टुकड़ू जो है पनीर का। और ये है देखो गाइस स्ट्रीट स्टाइल मोमो, स्ट्रीट स्टाइल मोमोस कर चाउमीन। तो देख भाई साहब चाय नहीं पीनी है, आज तक 50 साल की होने वाली है। कितने साल की? 50। गिर गया ना सारा, लबेड़ दिया बिस्कुट। बिस्कुट अलेक्सा प्लस स्टॉप। अलेक्सा स्टॉप। मेरा बच्चा जय जय का इतना शौकीन है, इसके साथ साथ हम भी भक्त बन चुके हैं। तो गाइस शिवाना काफी अच्छा फील कर रही है, चल भी रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको पार्क ले जाऊँ। थोड़ा सा ज्यादा झूले नहीं झूल पाएगी तो कम से कम बाहर तो देख लेगी, लोगों को अच्छा लगेगा इसको। लाइट, यस लाइट। बाय बाय। सो गाइस मम्मी के घर आ गए थे हम लोग और हम खा पी के सेट है। शिवाना को दूंगी अब मैं दूध, दूध बहुत देर हो गया उसने दूध नहीं पिया। नहीं मैंने मना किया उसको फ्रिज में। शिवानू दूध दू। ऐसे कौन पीता बेटा? देख लो जी कार्टून देखने का तरीका, देख लो बच्चे का। एंड गाइस शिवाना को पेन वेन तो अब नहीं है, बट हमें ऐसा लग रहा है कि उसको थोड़ा सा कोल्ड हो गया, छींके वीके बहुत मार चुकी है आज। हो सकता है हो भी गया हो कोल्ड, कोई उसमें वो नहीं है, क्योंकि कल भी इसको फीवर था और थोड़ी वीकनेस है बॉडी में, तो हो सकता है कोल्ड हो गया होगा। तो देंगे अभी इसको थोड़ा दवाई वगैरह देंगे। सीवियर नहीं है, बहुत नॉर्मल है, एक्टिव बहुत ज़्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा तो इसको देख लो, सिर्फ और सिर्फ ट्रीट होगा, भूखा है, इसको कोई लेना देना नहीं किसी से, ठीक है, सिर्फ ट्रीटें चाहिए इसको, सिर्फ और सिर्फ ट्रीट चाहिए होती है, हर वक्त सुबह से रात तक ट्रीटें खाता रहता है, सिर्फ ट्रीटें मांगता रहता है हमसे। मेरे पेट पे कूद रही है। दिया हाय कर दो, हाय कर दो इधर। ये आ चुके अपने मूड में, पूरे पुराने मोड में आ चुके, पुराने मोड में। देख लो यहीं से बेड उतर देगी, यहीं से उतर देगी। हे भगवान, है तो बच्चा बाजी करी हमारा, लग गया। गाइस आज बहुत दिनों बाद शिवाना को मिला है स्केच पेन, जो कि वो डैडा के हैंड्स पे चला रहा है। वाह ऐपा बनाओ ऐपा। अरे बेटा कपड़ों पे नहीं चलाना,
ऐप बना दो। इसको हाय करना आ चुका है। हाय हाय एवरीवन। हाय हाय। अब देख अपने आप को देख रही है सिर्फ कि मैं क्या कर रही हूँ। हाय कर दो। हाय फाय। हाय फाय। प्यारी कर दो। प्यारी प्यारी मम्मा को प्यारी कर दो। मम्मा को प्यारी कर दो। मम्मा को प्यारी करो। सिवानू अच्छा शेर निराला कैसे करते हैं? शेर निराला ऑस्ट्री कैसे करता है? ओके ओके खांसी खांसी आ गई। ओके ट्विंकल 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 टीवी चल रहा है तो डिस्ट्रैक्ट होता है। ट्विंकल ट्विंकल ओके गाइस सो टाइम टू साइन आउट। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में। बार बार अंगूठा क्यों आ रहा है? अंगूठा कह रहा है कि फटाफट दबाओ ऑफ बटन। बाय गाइस सी यू टुमारो।